प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज दिनांक 30 जून को लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के विरोध में आज काला दिवस बाजना बस स्टैंड चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काला कपड़ा, काले झंडे, हाथ पर काली पट्टी बांधकर भाजपा द्वारा की गई लोकतंत्र की हत्या का विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की गई। शिवराज सिंह का कहना फूल, बीजेपी का कहना फूल, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट पिछले दरवाजे से आई हुई जो सरकार है, आज उसके 100 दिन पूरे हो रहे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की जनता द्वारा जो चुनी गई निर्वाचित सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार, जो जनता के हित में निर्णय ले रही थी और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी, उसको भ्रष्ट तरीके से विधायकों की खरीद फरोख कर पिछले दरवाजे से जिस प्रकार से सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, आज इसके 100 दिन पूरे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज हमने इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसी पक्ष में हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता आज काला दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। जिस प्रकार से लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या हुई है, उसका हम कांग्रेस कार्यकर्ता कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। पर रतलाम के चारों ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा बाजना बस स्टैंड चौराहे पर भाजपा की 100 दिन वाली सरकार का आज हमने काला दिवस बनाकर विरोध प्रदर्शन किया है। जैसा कि सभी जनता जानती है कि भाजपा की यह सरकार किस प्रकार से बनी है और जब से बनी है आप देख लीजिए, जनता महंगाई की त्रस्त हो रही है, बिजली के बिल जो कांग्रेस ने लड़ झगड़ कर माफ करा है, चाहे वह नगर निगम का टैक्स हो, चाहे संपत्ति टैक्स हो, चाहे कालाबाजारी हो, हर प्रकार से भ्रष्टाचार पूरी ताकत से आज उठ रहा है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को गिराने के लिए आने वाले उपचुनाव में हम सब इस बात का प्रण ले रहे हैं आज कि आने वाले इस 24 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएंगे और आदरणीय कमलनाथ जी को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इस जनता को राहत दिलाई जाएगी। लेन देन के मामले में त्रस्त एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला मोहन नगर क्षेत्र का है। खबर के मुताबिक किसी कबाड़ी से मृतक रफीक को 1 लाख रुपए लेने थे, लेकिन उक्त राशि कबाड़ी द्वारा नहीं दी जाने से रफीक तनाव में था। तनाव के कारण रफीक ने मंगलवार की सुबह 8 बजे अपने घर में फांसी के फंदे में झूल कर अपनी ई लीला समाप्त कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और FSL अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। मृतक के परिजनों ने कबाड़ी पर आरोप लगाते हुए बताया, जी सुसाइड हमारे जिया जी लगते हैं, ये मोहन नगर गली नंबर 2 में निवास करते हैं। इनका नाम मोहम्मद रफीक शाह, पिता बिंदु शाह है। और आज सुबह 8:30 के बीच में इन्होंने अपने घर पर अकेले थे, उस दौरान इन्होंने फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। क्या कारण रहा है जो सुसाइड का? कारण तो इनके जेब से सुसाइड नोट हमको प्राप्त हुआ है, पुलिस के पास गए अभी वो। इसको उन्होंने अपने मालिक जिनका नौकरी कहाँ करते हैं जहीर भाई कबाड़ी, उनका जिक्र किया है कि 1 लाख रुपया ये उन्होंने कुछ वादा किया था उनको देने का, क्योंकि 2 बार हादसे में उनके फैक्ट्री के अंदर हादसे में उनके 2 बार हाथ कट चुके थे। उसका 1 लाख रुपये का उन्होंने कुछ वादा उनसे क्या हुआ था, तो उसके लेन देन के चक्कर में इनका कुछ चल रहा होगा। और आर्थिक तंगी जो आ गई थी अभी लॉकडाउन की वजह से, तो डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? सुसाइड नोट में जहीर भाई कबाड़ी को उन्होंने जिम्मेदार बताया है कि उन्होंने मुझको अभी लॉकडाउन होने के बावजूद उन्होंने कोई पगार वगैरह नहीं दी, 1 लाख का जो वादा किया था वो भी अदा नहीं किया, मांगने जा रहे थे तो उनको झटकार के भगा रहे थे। मतलब कुल मिला के जहीर भाई कबाड़ी के ऊपर ही उन्होंने अपना फोकस किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, रफीक पिता बुंदू शाह उम्र 55 साल करीब की, उन्होंने फांसी लगाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुँचे यही साहब और FSL अधिकारी वगैरह भी आ गए, उन्होंने निरीक्षण किया। सर क्या कारण रहा है कुछ सुसाइड नोट वगैरह? कारण का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक सुसाइड नोट मिला है उनके पास से, तो किसी कबाड़ी के यहाँ काम करते थे, वहाँ काम करते समय कुछ उंगली में चोट या उंगली कट गई ऐसा लिखा उन्होंने। उस दौरान उन्होंने बोला था कि मैं इलाज कराऊंगा और तुम घर पे रहना जब तक आपका काम ये ठीक नहीं हो जाए, जब तक मैं आपकी पगार भी चालू रखूंगा।
लॉकडाउन होने से पगार भी बंद हो गई और मकान किराए से ले रहे तो मकान किराया भी चढ़ गया है, जिससे हमें परेशान हो गया है। उन्होंने लिखा है सुसाइड नोट मिला भी, उसकी भी जांच होगी। पुलिस मृतक के परिजनों के बयान में लगाए आरोपों के आधार पर मामलों की जांच कर रही है। कोरोना पॉजिटिव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, हर दिन मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए बताए जा रहे उपायों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना आम से खास लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, जो खतरे ही पैदा करता है। रतलाम में बंधन बैंक में निकली विभिन्न पद की भर्ती के लिए युवाओं का हुजूम मंगलवार को बैंक में उमड़ पड़ा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूट गए, बैंक की तरफ से भी नियम पालन करने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए, जो यह साबित करता है कि कोरोना को रोकने में अब जिम्मेदार भी लापरवाही साबित हो रहे हैं। भारी भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियों पर बैंक प्रबंधक कहते हैं, मेरा नाम सुरेश महापाड़ी। सर, यहाँ पे आज जो काफ़ी भीड़ पड़ रही थी सर, क्या मामला था, क्या कारण रहा? सर, हम लोग को रिक्रूटमेंट करा था और रिक्रूटमेंट के हिसाब से हमने 40 से 50 लोग को बुलाए थे। वो एकदम से पता नहीं भीड़ एकदम से बढ़ी, फिर हम लोगों ने देखा कि भीड़ एकदम से बढ़ गई, तो हम लोगों ने इंटरव्यू कैंसिल करा और कैंसिल करने के बाद में सारे जितने भी कैंडिडेट आए थे उन लोग के हम लोग ने रिज्यूमे ले लिए, ताकि हम लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। सर, किस चीज़ का रिज्यूम ले रहे थे आप, किस चीज़ के लिए बुलाया था? आरओ का पोजीशन खाली था, तो आरओ के पोजीशन के लिए हमने 50 बंदों को ही बुलाया था। पर आपको भी पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, तो एकदम से भीड़ उमड़ी, तो हमें भी लगा कि हमको अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा नहीं तो इतनी बड़ी महामारी को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। इसलिए हम लोग ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे रिज्यूमे अपने पास में रख लिए। सर, यहाँ पे ऐसा तो लगा नहीं था कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन करा है, कोई यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी इतनी थी, सभी के मास्क और सभी को 1 फीट की दूरी पर। उसके अंदर कुछ बिना मास्क के लोग भी थे? नहीं सर, हम लोग ने जितने भी कैंडिडेट आए थे उन सारे कैंडिडेट्स को हमने मास्क लगाने के लिए रुमाल पट्टी बांधी हुई थी सब लोग ने, ठीक है। सर, यहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं भी थी कि जो उनके पास मास्क नहीं था, सर, तो बिना मास्क के खड़ी हुई थी। महिलाएं तो हमारे नीचे लोन की आती है, बाकी महिलाएं तो तब तक कि हम लोग का कलेक्शन अभी तो डिसबर्समेंट का जो भी काम होता है वो 12 बजे के बाद में होता है। जब हम लोग को लगा 11 बजे कि भीड़ ज़्यादा हो रही, तो हम लोग ने सारे के रिज्यूमे लिए और उनको बोला कि आप घर जाइए। चौतरफा दबाव के बाद हरकत में आया प्रशासन, भूरिया, गहलोत, कटारिया समेत कई नेताओं पर लॉकडाउन उल्लंघन का प्रकरण दर्ज। कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को लेकर बने चौतरफा दबाव के चलते अब प्रशासन हरकत में आया है। प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन को लेकर विधायक कांतिलाल भूरिया, हर्ष विजय गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया समेत कुल 18 नेताओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि रविवार को शहर कांग्रेस द्वारा अमृत गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जबकि कोरोना के प्रतिबंधों के चलते किसी भी प्रकार के राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के 300 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। समाचार माध्यमों और भाजपा द्वारा इस पर आपत्ति लिए जाने के बाद सोमवार शाम को जिला प्रशासन ने इस मामले में 2 विधायकों समेत कुल 18 लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं। होटल संचालक पर भी प्रकरण दर्ज किया गया है। अमृत गार्डन में कांग्रेस के द्वारा अध्यक्ष महेंद्र कटारिया द्वारा एक कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन रखा गया था, और उसमें उनके द्वारा सोशल डिस्टेंस आदि कोरोना जैसी महामारी के दौरान आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया था। जो प्रथम दृष्टया जो नियम नियमावली बनाई गई है ताकि कोरोना जैसा महामारी फैले ना, तो क्षेत्राधिकार रखने वाले नायब तहसीलदार साहब के द्वारा ये पाया कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा सोशल डिस्टेंस के साथ साथ अन्य नियमों का पालन नहीं किया गया। उनके एसडीएम श्री गर्ग के प्रतिवेदन पर प्रथम दृष्टया 188 का अपराध पाए जाने से तत्काल अध्यक्ष महेंद्र कटारिया और अन्य के खिलाफ 188 कायमी थाना पर की गई है। विवेचना जैसे तथ्य आएंगे अगले में विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। कितने कुछ नामजद भी है इसके? नामजद है करीब 17 लोग हैं, अध्यक्ष कटारे के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद थे इसमें। कांग्रेस नेत्री यास्मीन शेरानी के घर कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने के बाद भी
शेरानी का कांग्रेस सम्मेलन में शरीक होना नियमों का उल्लंघन है। पूर्व पार्षद मंगल लोढ़ा ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शेरानी पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस को नियमों और कानूनों में विश्वास कहाँ है। पूर्व पार्षद मंगल लोढ़ा ने बताया, क्वारंटाइन को लेकर हमने एक पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को लिखा है कि रतलाम शहर के अंदर महिला नेत्री जो कांग्रेस की प्रदेश की कार्यवाहक अध्यक्ष है, उनके परिवार में कोरोना का पॉजिटिव मरीज उनके रिश्तेदारी जो है उनके घर के वहीं पे मिला, फिर भी प्रशासन ने अनदेखी कर जो पूर्व में जब रतलाम में कोरोना का एक ही मरीज नहीं था, एक कोरोना मुर्दा शहर में आता है, जिला प्रशासन की लापरवाही से और उस कोरोना मुर्दा पूरे शहर को शहर में संक्रमण फैलाकर कोरोना को रतलाम शहर में बढ़ाया, वही घटना फिर जिला प्रशासन द्वारा उनकी लापरवाही से कांग्रेस नेत्री को संरक्षण देकर उनको क्वारंटाइन न करते हुए उन्हें अन्य स्थान पर भेज दिया गया। हमने जब हमको उस क्षेत्र के नागरिकों द्वारा पता चला कि यहाँ पर कोरोना का पॉजिटिव मरीज आया और पूरे मकान को वहाँ से खाली करा लिया गया और खाली मकान को कंटेनमेंट एरिया बनाया, जो एक प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही एक बड़ी शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही के कारण शहर के विद्युत पोल और डीपी हादसों के कारण बनी हुई है। विद्युत कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर शहर के हरे भरे वृक्षों की तो कटाई करवा देते हैं, लेकिन अपने विद्युत पोलों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यह डोंगरी नगर स्थित विद्युत डीपी जो रहवासी क्षेत्र में सरकारी स्कूल के पास लगी है, इस डीपी के लगने के बाद से अब तक विद्युत कंपनी ने ध्यान नहीं दिया है। यह डीपी कॉलोनी निर्माण के साथ ही लगाई गई है। डीपी के खंभों के स्टैंड का सीमेंट उखड़ चुका है, जिसने जमीन छोड़ दी है। चूहों ने पूरे स्थान को खोखला कर दिया है। नाली के पास लगे इस पोल पर लगी डीपी भी हादसों का कारण बनी हुई है। लोड अधिक होने से आए दिन आग निकलने के हादसे होना आम बात हो गई है। क्षेत्रीय रहवासी बताते हैं, माणक लाल टांक, कौन सा मोहल्ला केला चाहिए? ये डोंगरे नगर। यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? ये समस्या है कि डीपी के हम पिछले 5 सालों से शिकायत कर रहे हैं। वर्तमान में पार्षद जी को भी बोला हमने, लिखित में भी शिकायत करी, रंगीला साहब को फेस टू फेस लेटर देके आया, उसके बाद भी डीपी का कोई भी सुधार नहीं हो रहा और ये जितने भी करंट फैल रहा है आप सब समझ देख लीजिए, और इसके कॉन्क्रीट खत्म हो गए, पोल पूरे हिल रहे हैं और ये इधर से कोई बड़ी गाड़ी निकलती है तो ये पूरी डीपी वाइब्रेट करती है। कभी भी ये बच्चे स्कूल में पढ़ते और ये तार आप हम सब खड़े हैं, कभी भी गिरेंगे तो सबको मौत के मुँह में जाना है। कितने साल पहले आपने शिकायत करी थी? लगातार 5 साल से कर रहे हैं और अब मेरे साथी खड़े, इन्होंने भी करी, इनसे भी आप चर्चा कर ली? अभी भी चल रहा है, नीचे ही कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है अभी, लेकिन लोग उन लोगों को बड़े सतर्क साथ रहे। एमपी भी जाते हो तो क्या आश्वासन मिलता है वहाँ? बस करते हैं, देखेंगे, अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। यहाँ के पार्षद किसी प्रतिनिधि वगैरह को का देश कर सूचना कोई नहीं सुनता, उनको भी बोला है, बात भी नहीं करे, आती भी नहीं है, तो बात बोला है, उनको भी बोला था पर कोई ध्यान नहीं देता।